मात्र 5 साल की उम्र में ये बंदा क्लब में गाना गाता था। उसके दिल में जो आग लगी थी उसका जुनून बताता था। दीवाने हो जाते थे लोग उसके सामने आते ही, पागल हो जाते थे लोग उसके सामने आते ही। जो करोड़ों लोगों के दिलों में बसता था, जिसने देखते ही देखते कई रिकॉर्ड बना डाले, जो मरने के कई सालों बाद भी करोड़ों लोगों के दिल में जिंदा है, जो दुनिया के हाईएस्ट टैक्स पेड सेलिब्रिटी में शुमार है, जिसके पिछले साल की इनकम लगभग 400 करोड़ है, जिसके नाम 23 गिनीज रिकॉर्ड है, 13 ग्रैमी अवार्ड है, लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड है, 26 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड है, 20 प्लेटिनियम सर्टिफिकेट है। दोस्तों, कौन था ये चुनिंदा बंदा जिसके मरते ही 10 मिनट के लिए इंटरनेट क्रैश हो चुका था, जिसको लगभग 8 लाख बार 10 मिनट में ही सर्च किया जा चुका था। कौन है ये जुनूनी बंदा, शुरू से जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डोंट गिव अप। अमेरिका का राज्य शिकागो का एक शहर ग्रे में जन्म लेता है जोसेफ और कैथरीन के घर, 7वीं संतान के रूप में, जो अपने भाई बहन में सबसे छोटा है, जिसके पिता जो एक क्लब में गिटार बजाते हैं और गाना गाते हैं, जिसकी माँ हाउसवाइफ है और अपने बच्चों को गाना सिखाया करती है। एक ऐसा बच्चा जिसको उसके पिता ने 5 साल की उम्र से ही क्लब में अपने बड़े भाइयों के साथ गाना गाने लगवा दिया, जो बहुत अच्छा गाता था और बहुत अच्छा डांस भी किया करता था। लेकिन उसके पिता को तो अपने बच्चों से सिर्फ पैसे चाहिए थे, इसलिए अपने बच्चों को मारा करते थे। ये बच्चा अपने पिता से बहुत डरता था और उसके पूरे व्यक्तित्व पे उस डर का ऐसा परिणाम हुआ कि वो आइकॉन बन गया। दोस्तों, बचपन में 3 घंटे ट्यूशन करने के बाद 5-5, 6-6 घंटे वो क्लब में परफॉर्म करने के लिए तैयारी किया करता था और 5 साल में अपने पिता को पैसे कमाकर देने लगा था। उसके पिता ने 1968 में मोटाउन रिकॉर्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके कारण उनकी फैमिली ग्रे शहर को छोड़कर लॉस एंजलिस सपनों के शहर में शिफ्ट हो गई। और उसके एक साल ही बाद, जब ये बच्चा मात्र 11 साल का था, मोटाउन रिकॉर्ड ने एबीसी नाम का एल्बम लॉन्च किया और वो एल्बम ने इतिहास बना दिया, बहुत फेमस हुआ। वो बच्चे के डांस मूव के तो दीवाने हो चुके थे लोग, उसके गाने के दीवाने हो चुके थे लोग, और देखते ही देखते वो सेलिब्रिटी बन गया मात्र 11 साल की उम्र में। दोस्तों, यहाँ तो 25 साल के लोगों को ये पता नहीं होता कि हमें लाइफ में क्या करनी है, लेकिन उस बंदे को 11 साल की उम्र में पता था कि उसे क्या करना है, उसका विजन क्लियर था और 11 साल में वो करके चले गया जो लोग पूरी जिंदगी नहीं कर पाते। लेकिन वो बच्चा वहां रुका नहीं और वो अपने सफलता की अलग अलग सीढ़ियों को पार करता चला गया। मात्र 2 साल के बाद मोटाउन रिकॉर्ड ने दूसरा एल्बम लॉन्च किया, द डर्टी डायना, और देखते ही देखते उस एल्बम ने भी सफलता के नए परचम लगा दिए। जब वो बंदा मात्र 13 साल का था, उसके डांसिंग मूव के लोग दीवाना हो चुके थे, उसके गाने के लोग दीवाने हो चुके थे, लेकिन वो बंदा रुकने वालों में से नहीं था। आज हमको थोड़ी सी सफलता मिलती है तो हम आसमान में चले जाते हैं, लेकिन बंदा तो सफलता के पास सफलता हासिल किए जा रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। जी हाँ दोस्तों, 1972 से लेकर 1975 तक मोटाउन रिकॉर्ड ने 4 सोलो एल्बम लॉन्च किए, जिनने उस बंदे को अमेरिका के इतिहास में म्यूजिक का बादशाह बना दिया, जिसने म्यूजिक के इतिहास और भविष्य दोनों को बदल कर रख दिया। लेकिन वो यहां पर भी नहीं रुका। 1979 में उसने खुद का बैंड लॉन्च किया खुद के नाम से, और उसका एक एल्बम जब एपिक रिकॉर्ड ने लॉन्च किया तो उस एल्बम ने इतिहास बनाते हुए कम पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। जी हाँ दोस्तों, ऑफ द वॉल उसका पहला एल्बम जब एपिक के साथ लॉन्च हुआ तो उसकी 7 मिलियंस कॉपी बिक गई और वो बंदा अमेरिका का यूथ आइकॉन बन चुका था, हर युवा को उसके गाने थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वो बंदा रुकने वालों में से नहीं था। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1982 में उसका दूसरा एल्बम लॉन्च हुआ, जिसका नाम है द थ्रिलर, और देखते ही देखते थ्रिलर एल्बम की 70 मिलियन कॉपी बिक गई। दोस्तों, ये बात 1982 की है, तो 70 मिलियन बहुत बड़ी बात होती है उस समय के हिसाब से, तो आप समझ सकते हैं कि उसका रुतबा और उसकी पहचान कितनी बढ़ चुकी होगी। लेकिन ये बंदा रुकने वालों में से नहीं था। उसके बाद बैक टू बैक वो एल्बम लाते गया और सफलताओं की नई नई सीढ़ियां चढ़ता गया और ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां पहुंचने के लिए लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। इस म्यूजिक की दुनिया का बादशाह बन गया। दोस्तों, इस बंदे ने एक बार कहा था
कि वो 2009 में लंदन के एक थिएटर में 10 परफॉर्मेंस करेंगे और वो परफॉर्मेंस उसके जिंदगी के आखिरी 10 परफॉर्मेंस होंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। कौन था ये जुनूनी बंदा? जी हाँ दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं माइकल जो जैक्सन की, जिसने इतिहास बनाकर इस दुनिया से विदा लिया। दोस्तों माइकल जैक्सन हमें सिखा के गया कि इंसान के दिल में अगर आग लगी है ना जुनून की, तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो जुनून की आग दिल में लगना जरूरी है, जो उसे 11 साल 5 साल की उम्र से ही लग चुकी थी। दोस्तों इसीलिए वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करके गया। तो जिंदगी में मरता तो हर कोई है, लेकिन कुछ ऐसा करके मरो कि सारी कायनात सारी दुनिया तुम्हें कभी भुला ना पाए। ये बंदे ने हमें ये बताकर गया है, मात्र 50 साल में वो धरती को छोड़कर चला गया, लेकिन अपना नाम इतिहास के पन्नों में अमर करके चला गया। महफिल भी रोए, डूबा कर तेरी कश्ती साहिल भी रोए, इतना प्यार बिखेर दे इस जमीन पर कि कत्ल करके तेरा कातिल भी रोए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ हिट करो बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।